नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो देख सकते हैं सुबह की 5 बजे मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी टिफिन की तैयारी शुरू हो गई है। तो आज है वेडनेसडे, आज मेरी वर्क फ्रॉम होम है और आज अभिजीत का ऑफिस है। तो मैं फटाफट अभी टिफ़िन बना रही हूँ अभिश्वरा के लिए, उसके बाद उसको रेडी करना है, फिर उसको स्कूल छोड़ने जाना है गेट तक। और तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्नैक बॉक्स रेडी है, तो आज जा रहा है रोस्टेड मखाना, उसके साथ एक मौसम्बी। और इधर लंच भी रेडी हो चुका है और लंच में मैं आज बनाई हूँ पनीर रोल, उसके साथ थोड़ा सा टमाटो केचप। तो चलिए फटाफट जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं। और यहाँ का वेदर देखिए, अभी सुबह करीबन 6 बजने वाला है और ये देखिए कितना प्यारा सा वेदर है। अभी तक पूरा सुबह नहीं हुआ है, एकदम सुबह की जो भोर वाला हम लोग बोलते हैं वही दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी अभिश्वरा को रेडी करते हैं। तो अभिश्वरा को स्कूल में छोड़ने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ मेरे वर्कआउट के लिए, जिम के लिए, क्योंकि कल इवनिंग को टाइम नहीं मिला था, काफ़ी सारे मीटिंग्स थे तो बहुत बिजी हो गई थी, इसलिए सोचा आज सुबह ही आ जाते हैं और दिन का झमेला ख़त्म करते हैं। और अभी जैसे बज रहा है 7:28, तो यहाँ पे 1.5 घंटा बिता के फिर जाऊँगी घर, फिर से काम करना है और फिर से आज खाना भी बनाना पड़ेगा सुबह ही, तो सबके लिए खाना बना लूँगी फटाफट। ये देखिए मेरे घर के सामने जूडियो भी है, तो काफ़ी इजी रहता है, कुछ अगर ख़रीदना हो तो हम लोग इधर ही आ जाते हैं। तो चलिए, हेलो, आज वेदर देखिए लग रहा है कि हम लोग तो मैं आ चुकी हूँ वापस और अभिजीत चला गया है ऑफिस और अभी बहुत सारा काम है। पहले तो ऑफिस का काम है, उसके बाद ये रहा हमारी लिशियस, मैं हम लोग नहीं थे तो बाहर ही छोड़ के चला गया वो। और उसके बाद खाना भी बनाना है, आज ऑफिस का भी काम है। तो चलिए आज के दिन शुरू करते हैं, थोड़ा सा घर को भी ठीक करनी है और वेदर देखिए मस्त वाली वेदर। तो चलिए, तो अभी मुझे ऑफिस करने बैठनी है और टाइम हो गया है 9:35 और आज थोड़ा लेट हो गया, ज़्यादा ही वर्कआउट कर लिया मैंने तो एक्सपेक्टेशन से बाहर हो गया। तो अभी यहाँ पे ना थोड़ा बहुत डस्टिंग भी करनी पड़ेगी, देखिए पूरा गंदा हो चुका है। और ये रहा काफ़ी मेरी एक फेवरेट चीज़, तो ये सब चीज़ें ना मतलब मेरे लिए बहुत प्रीशियस है क्योंकि मैं ये सब कलेक्ट की हूँ जा जा के उस जगह पे, नहीं तो मुझे गिफ्ट मिला है। तो ऐसे ही मतलब देखिए मेरा मैग्नेट्स पूरा भर चुका है, बहुत सारे मेरे मम्मी ने दिया है इस बार और काफ़ी मैंने भी कलेक्ट किया है। तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये राइनो मैंने लिया है काजीरंगा से, जो मेरी बहुत ही मुझे बहुत पसंद आया था। ये पूरा वुडन वर्क है, पूरा वुड का है और काफ़ी अच्छा है। और उसके साथ मैंने आसाम काजीरंगा से लिया है और ये भी मैंने आसाम से लिया है, ये फेमस जो आसाम का टोपी है, जो दैट इज़ द ट्रेडिशनल वेयर, वो मैंने लिया है, कलेक्ट किया है वहाँ से। फिर ये माँ दुर्गा मैंने लिया था, वो पोड़ा माटी, वेस्ट बंगाल की पोड़ा माटी का जो काम होता है बिष्णुपुर, वहाँ से ये लिया था मैंने। और ये आप देख सकते हैं, ये हाथी मुझे काफ़ी पसंद है, ये एकदम प्योर सैंडलवुड का है और ये मैंने लिया था एक बार मैं ऊटी गई थी, उस टाइम मैंने ये ऊटी से लिया था। देखिए कितना सुंदर है, अभी भी स्मेल आता है बहुत सुंदर सैंडलवुड का। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये मैंने तमिलनाडु से लिया था, ये ढोल ढकोरे जो बाज रहे हैं। और ये मेरी मम्मी ने लाई थी, ये जो देख सकते हैं ना कैमल,
ये राजस्थान का है जो मेरी मम्मी कलेक्ट करके लाई थी। वो जहाँ भी जाती है एक एक चीज़ें मेरे लिए भी लाती है। ये पिकॉक भी राजस्थान का है। फिर ये हो गया दीघा का। दीघा का काफ़ी फेमस ये बेत, इसको बेत कहते हैं, इसका वर्क किया हुआ। तो दीघा जब गई थी, लाइक वेस्ट बंगाल दीघा, वहाँ से मैं ये कलेक्ट करके लाई थी। फिर आप अगर यहाँ पे आ जाओ तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप देख सकते हैं पूरा भरपूर है। तो ये हो गया पुरुलिया, वेस्ट बंगाल पुरुलिया का है। ये मुकुट जो पहन के छऊ डांस जो होता है, फेमस वेस्ट बंगाल का डांस, वो किया जाता है। तो ये माँ दुर्गा का एक फेस है। और तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये मेरा गिफ्टेड है, मेरे सिस्टर इन लॉ ने मुझे इस बार दिया है सिंगापुर से। और ये है बिष्णुपुर का, वही पोरा माटी का, जो मम्मी पापा गए थे तो वो लोग लेके आए थे। ये भी गिफ्टेड है, ये भी मम्मी ने इस बार लेके आया है। पेरिस का मेन आईफिल टावर, जो काफ़ी फेमस जगह है, देखते हैं कब तक जाते हैं पेरिस में। और ये जो हिरने आप देख सकते हैं ना, दोनों कान में दो दो चीज़ें मेरी बेटी ने झुला दिया है। तो ये जो डियर है, ये मैंने ऊटी से लिया है, मुझे काफ़ी पसंद आया था। पूरा ये लेदर वर्क किया गया है और काफ़ी सुंदर है। तो ये सब कुछ अभी डस्टिंग करना पड़ेगा। और ये तो आप जानते ही है, तिरुपति बालाजी और लक्ष्मी जी है, जो मैंने तिरुपति से लिया था। और ये सब वेस्ट बंगाल का चीज़ें हैं जो मिट्टी के ऊपर बनाया जाता है। ये भी वेस्ट बंगाल का एक हैंडमेड चीज़ें हैं, देखिए पूरा वुड का बना है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं जब मैं अगर कहीं और अगर जाती हूँ, या इन फ्यूचर अगर कुछ अगर प्लान हो, तो मेरा बहुत इच्छा है कि मैं एक कॉर्नर ऐसे बनाऊँगी जो कि सिर्फ इसके लिए बने हो, जो मैं जो टोकन ऑफ लव मैं कलेक्ट की हूँ या गिफ्ट मिला है, उन सब के लिए। और ये काफ़ी प्यारा है, देखिए ये कश्मीर का है। ये भी मेरी मम्मी ने लाई थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी धूल जम गया है, अभी इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो वही एक कॉर्नर, एक शोकेस में इसके लिए बनाऊंगी कि सिर्फ उसी का आइटम रहे। अब आते हैं मेरी मैग्नेट्स पे। तो पहले ही आते हैं मेरी प्यारा सा जगह कोलकाता। ये मैंने कोलकाता से लिया था। और ये रहा अरुणाचल, ये काजीरंगा, शिलांग, ये सिंगापुर मेरे सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट किया है। ये है शिलांग पुलिस बाज़ार, केरला भी है, यहाँ आसाम है। ये मैं और मेरी बेटी, देखिए कितना प्यारा सा है। और ये भी मनाली से मैंने लिया था, बुद्धा। ये रहा हमारा बैंगलोर, आई लव माय बैंगलोर। ये रहा बैंगलोर का एक मैग्नेट, और ये भी गिफ्टेड है। ये मैंने मनाली से लिया है, मनाली जब मैं गई थी। ये भी गिफ्टेड है, मनाली थाईलैंड। तो और ये मेरी मम्मी ने लाया था, अंडमान में अभी तक गई नहीं, मेरी मम्मी लाई थी। ये है शिलांग, और ये मैं हूँ, देखिए कितना, सारा दिन मैं चिल्लाती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, ये मैं हूँ। और ये रहा वो स्पेशल जगह जो मेरे फ्रिज में, बहुत ही स्पेशल जगह लिया है। तो मैं मम्मी को एकदम बता दिया था कि आप एक एक जगह से लाना। इस बार मम्मी पापा गए थे यूरोप, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, 2020 से उन लोग का स्ट्रगल चल रहा था जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाए थे, लेकिन इस साल फाइनली गए। तो ये रहा मेरा लंदन, ये भी लंदन, इटली, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, और ये देखिए प्यारा, ये मैं और अभिजीत, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये जर्मनी, ये भी शायद एम्स्टरडम से लिया है, ये भी एम्स्टरडम, फ्रांस, वेनिजिया, पेरिस, ओके। तो ये सब कुछ, ये पूरा जगह गिफ्टेड है, और ये मेरी मम्मी ने लाई है। तो मैं अगर फ्यूचर में कभी भी इस एक एक जगह पर जाती हूँ, तो ये फिर से रिपीट होगा, और प्लस वन करके और एक मैग्नेट ऐड होगा ज़रूर। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये है दुबई, ये मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। ये वाराणसी, ये मैंने लाई है, खोज खोज के मैं वाराणसी से ये लाई हूँ। ये खुफरी, ये भी मैंने लाया था। और ये है मेरा गोवा। तो काफ़ी सारे चीज़ें, और ये लास्ट है यहाँ, यहाँ पर मैं अभी तक रोहतांग गई हूँ, मनाली गई हूँ, तो बाकी सारे जगह जाना बाकी है। ये भी गिफ्टेड है, और ये भी गिफ्टेड है। तो ये रहा मेरा फ्रिज। तो ये सारे चीज़ें ना मैं बहुत ही संभाल के, देखभाल के मैं रखती हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए काफ़ी सारे प्रेशियस हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी, और टाइम हो रहा है 11:20। तो कितना लेट हो गया सोचिए,
मैं आई थी, उसके बाद ऑफिस का कुछ काम था, तो एक बार वो लैपटॉप खोल के अगर बैठ गई ना तो बहुत सारा काम आ जाता है, तो इसीलिए काफ़ी लेट हो चुका है। तो अभी मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी, इसको अभी थोड़ा सा एंजॉय करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। उसके बाद खाना भी बनाना पड़ेगा, तो काफ़ी बिजी डे है आज। और बेटी भी आने वाली है कुछ ही देर में। आज मैंने सोचा आप लोग से थोड़ा मिलके बात करते हैं, बहुत दिन हो गया है हम लोग ऐसे बात नहीं किए, तो मैंने सोचा कि आज कॉफ़ी पीते पीते आप लोग से शेयर करते हैं कुछ चीज़ें। तो आप लोग मेरे चैनल पे अभी मेरी फैमिली मेम्बर्स है 2700+, तो इन 2700+ लोगों को मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फिर से दे दूँ जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे। तो मैं हूँ स्वर्णाली और मेरी चैनल माइंड बटर जो आप लोग देखते हैं। तो माइंड बटर चैनल की शुरुआत हुई थी करीबन 1-1.5 साल पहले, तो उस टाइम हम लोग कोलकाता जाने वाले थे बैंगलोर से, तो हम लोग ने सोचा कि इसको हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं यूट्यूब के लिए और यूट्यूब का लॉकर में बंद करके रख देते हैं, तो वो सारा जीवन के लिए रह जाएगा और हम लोग चेरिश करेंगे क्योंकि वो एक आइकॉनिक जर्नी है। बैंगलोर टू कोलकाता जाने में करीबन 3 दिन लगती है और काफ़ी अच्छा लगा था वो वाइब्स और वो जगह यानी 16। और हम लोग जाने से पहले बहुत सारे ब्लॉग्स देखे थे, उस टाइम भी पता चला ब्लॉग्स की अहमियत क्या होती है, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक चैनल खोलती हूँ और मैं भी इस वीडियो को ज़रूर मैं रख दूँगी। मैं काफ़ी कैमरा शाई थी तो उस टाइम एकदम नई नई, आप लोग ब्लॉग देख के आप लोग को पता चल जाएगा कैसा था। और तो यहीं से स्टार्ट हुआ है माइंड बटर। उसके बाद मैंने करीबन बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और बहुत सारे जगह अपलोड्स है मैंने, जो जो जगह घूमने गई, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है बैंगलोर में आसपास बहुत सारे जगह है जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं, तो बैंगलोर इज़ ब्लेस्ड विथ मेनी थिंग्स। तो उसमें से एक है कि आप लोग को काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स मिल जाएंगे, तो जहाँ जहाँ मैं गई हूँ अभी तक मैंने शेयर किया है। उसके बाद दुर्गा पूजा और बीइंग अ बंगाली आवर ग्रेटेस्ट फेस्टिवल, उसको भी मैंने शेयर किया है। एक बार कोलकाता का किया था, एक बार शायद मैं बैंगलोर का भी की हूँ, तो ऐसे छोटे मोटे ब्लॉग्स बहुत सारे हैं। तो अभी रिसेंटली अभी मैंने सोचा कि एज अ वर्किंग मदर, क्योंकि मैं वर्किंग मॉम हूँ, तो मैं क्यों ना आप लोगों को, जो लोग वर्किंग हैं या होमवर्क है, जो लोग लेडीज़ आप लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरी बहनें, तो आप लोग के लिए कुछ ना शेयर करूँ, शायद कुछ मदद हो जाए। तो इसलिए मैंने 1-2 दिन से कुछ डिफरेंट ब्लॉग्स शेयर किए हैं और मैंने देखा कि काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसे भी ब्लॉग्स देंगे, थोड़ा सा डेली लाइफस्टाइल वाला ब्लॉग्स कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ, बेटी को क्या खिलाती हूँ, कहाँ क्या ये वो, तो शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। तो ऐसे ही, तो ये रहा मेरी चैनल की इंट्रो। और रही मैं, तो मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल आसनसोल की हूँ, पहले बनपुर आसनसोल के अंदर बनपुर में मैं बड़ी हुई हूँ, वही मेरा स्कूलिंग सब कुछ उधर था। उसके बाद बनपुर में कंप्लीट करके मैं गई दुर्गापुर में कॉलेज करने, वहाँ पे बिधान नगर में मेरा कॉलेज था तो वहीं पे मैं थी। उसके बाद मैं गई बेलगुड़िया कोलकाता में, वहाँ पे मैं 2-3 साल जॉब किया कोलकाता में, फिर बेलगुड़िया से मैं आई बैंगलोर कर्नाटका शादी के बाद 2013 में, तो उसी जर्नी को मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आने के बाद पहले मैं थी इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, इनिशियल डेज मैं कुछ महीना वहीं पे थी, तो उस टाइम पता होता था मैं ब्लॉग ज़रूर करती, उस टाइम मेरा कुछ काम नहीं था, मतलब मैं सुबह से उठती थी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी का जो रूम था, जो घर था, वहाँ पे मेरे साथ एक चूहा भी रहता था, तो बहुत ही फनी था एक्चुअली। वो एकदम ग्राउंड फ्लोर में था, तो एक चूहा डेली आता था खाना वाना खा के फिर डेली निकलता था, उसके लिए मैं खाना रख भी देती थी, तो वो एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है।
तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में थी मैं कुछ महीने, उसके बाद हम लोग गए कोरमंगला, फिर कोरमंगला के बाद हम लोग गए और भी सामने फोरम के सामने तावरेकरी के अंदर, वहाँ पे हम लोग रहते थे, फिर वहाँ से अभी हम लोग हैं सज्जापुर में। तो ये जर्नी भी एक दिन ज़रूर मैं बताऊँगी कैसे जर्नी हुआ और कहाँ तक पहुँचे, ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो ये रहा हम लोग का। और मेरे चैनल में आप जिन लोगों को ज़्यादा देखते हैं वो है एक मेरे पति अभिजीत और दूसरी है मेरी बेटी अभिष्परा। तो अभिष्परा करीबन 5.5 साल की है और उसका उसके लिए मेरे मुझे बहुत मैं थक जाती हूँ, और तो उसके लिए उसको खिलाना एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। अगर आप लोग को पता है कि कैसे बच्चों को खिलाना चाहिए, कैसे इंटरेस्ट में लाऊं खाने के लिए, आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऑलवेज आई विल बी हैप्पी टू टेक दैट सजेशन। तो वो एक बहुत बड़ा टास्क है। तो बस ऐसे ही डेली लाइफ ऐसे ही चलता है मेरी, काफ़ी बिजी रहते हैं हम लोग सुबह से रात तक, मैं तो काफ़ी बिजी रहती हूँ सीरियसली। कभी कभी तो मम्मी को फ़ोन करने का भी टाइम नहीं मिलता है, बस रात हो गया अच्छा मम्मी सोने चलते हैं, बस इतना ही। और हाँ बेंगलोर में जैसे मैं लास्ट वॉक में बता रही थी बहुत कुछ बेंगलोर के बारे में, तो बेंगलोर में एक चीज़ की कमी ज़रूर है डेफिनेटली, वो है कि यहाँ पे आप ऐसे चुटकी मार के आप घर वालों से नहीं मिल सकते, चुटकी मार के आप मम्मी का खाना नहीं खा सकते हाथ पर। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो काफ़ी मिसिंग है, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, टिकट काटना पड़ेगा, फ्लाइट से जाना पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, उससे पहले छुट्टी लेना पड़ेगा, स्कूल का है ऑफिस का है, तो उतना ईजी नहीं है। जैसे कि हम लोग आसनसोल टू कोलकाता ट्रैवल करते थे या कहीं से भी हो, तो बस यही है। और मैं वेस्ट बंगाल की हूँ और मेरी हस्बैंड मेरी पति है आसाम की, ही इज़ ऑल्सो बंगाली बट ही इज़ फ्रॉम आसाम। तो हम लोग का टू स्टेट्स स्टोरीज है, इतना ही है मेरे बारे में और मेरे माइंड बटल के बारे में। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, उसके बाद मैं अभी आ चुकी हूँ खाना बनाने। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, क्यों मैं बनाऊँगी आज एक भिंडी की सब्ज़ी जो मास्टर पेस्ट से बनेगा, इंस्टेंट मास्टर्ड पेस्ट मैं आपको दिखाऊँगी। वो एक्चुअली सनराइज़ का आता है, हम लोग के वेस्ट बंगाल का ही प्रोडक्ट है और ये काफ़ी अच्छा रहता है। थोड़ा सा गर्म पानी मतलब ल्यूकम वाटर और थोड़ा सा नमक दे के अगर आप रख दो 10 मिनट के लिए तो बहुत ही बढ़िया सा सब्ज़ी बन जाता है और फटाफट भी हो जाता है। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी उसी से आज बनाने वाली हूँ। और मैं बनाऊँगी चिकन, चिकन थोड़ा सा ड्राई ड्राई करके बना लूँगी, और क्योंकि आज खाना मतलब उतना भी मतलब ऑयल या उतना मसालेदार नहीं बनेगा क्योंकि मैं बहुत ही कम ऑयल यूज़ कर रही हूँ आज। तो मैं पूरा दिन के लिए मैं खुद के लिए ले ली हूँ अराउंड 25 grams ऑफ ऑयल, तो कटोरी में मैं पहले ही उसको अलग कर चुकी हूँ और उसी से मैं आज ये दो सब्जी बना लूँगी, तो उससे हो जाएगा। तो मेरा प्रोटीन भी हो गया और फाइबर जैसे भिंडी आ गया, और कार्ब में मैं एक रोटी या थोड़ा सा एक कटोरी राइस तक मैं खा सकती हूँ। तो ये रहा वो सनराइज़ का मास्टर पेस्ट, आपको कहीं भी बंगाली काउंटर में बेंगलोर में मिल जाएगा, ये बहुत सारे अवेलेबल रहता है, बहुत सारे ऐसे मार्केट्स में हो या कोई भी मतलब हाइपर मार्केट्स में हो तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। मेनली बंगालीज़ तो खाते ही है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, अच्छा लगता है, कुछ कुछ सब्जियाँ इससे अच्छा बनता है। तो चलिए फटाफट खाना बनाते हैं और उसके बाद निकलते हैं क्योंकि लंच करने के बाद अभिष्परा को लाने जाना है। तो चलिए, तो अगर मेरी चैनल और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, और लाइक करना और कमेंट ज़रूर कीजिए जो मुझे और भी मोटिवेट करेगा और नए नए वीडियोस लाने में।
तो मेरा खाना बनाना हो चुका है और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा वेदर दिख रहा है, पूरा क्लाउडी है। और अभिश्वरा भी आने वाली है कुछ ही देर में, तो मैं अभी करूँगी लंच फटाफट। और तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। तो फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माइंड बटर।